जमीनों की बढ़ती कीमतें और महंगाई के कारण घर बनाते समय घर के नीचे तल घर यानी कि बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि बेसमेंट आपको ज्यादा स्टोरेज एरिया और लिविंग स्पेस प्रोवाइड करता है। पर बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर लोग अक्सर करते हैं, जिससे बेसमेंट में पानी आने की प्रॉब्लम यानी कि सीपेज हमेशा होने लगती है और कभी बंद नहीं होती, जिसका खामियाजा हम जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक में डिटेल में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको कॉमन बेसमेंट कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो अक्सर लोग बेसमेंट को बनाते वक्त करते हैं। तो अगर आप भी बेसमेंट बनवाने जा रहे हैं और इन गलतियों को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि भविष्य में आपको अपने बेसमेंट में कोई भी समस्या या सीपेज ना देखना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बेसमेंट बनाते समय कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो बेसमेंट बनाते हुए अक्सर की जाती है वो है कि बेसमेंट की हाइट को लेकर, जो मोस्टली लोग बेसमेंट की हाइट 7 फीट से 8 फीट तक ही रखते हैं और बाद में कम हाइट होने की वजह से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात माने तो आप बेसमेंट की हाइट कम से कम 9 फीट जरूर रखें। वैसे आप इसे 9 फीट से 12 फीट तक रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, पर ये टोटली डिपेंड करता है आपके पर्पस पर कि आप किस काम के लिए ये बेसमेंट बना रहे हैं। बेसमेंट बनाने का आपका पर्पस क्या है, इसलिए बेसमेंट की हाइट डिसाइड करने से पहले आपको बेसमेंट के पर्पस डिसाइड करने पड़ेंगे। जनरली देखा जाए तो बेसमेंट बनाने के मेनली 3 पर्पस होते हैं। पहला फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, सेकंड फॉर पार्किंग पर्पस और तीसरा फॉर कमर्शियल पर्पस, जैसे गोडाउन, पार्टी हॉल, शॉप या ऑफिशियल शोरूम बनाना। मेनली बेसमेंट की हाइट इन तीनों पर्पस पर ही डिपेंड करती है। अगर आप पार्किंग या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बेसमेंट यूज करने वाले हैं तो फिर आप बेसमेंट की हाइट 8 फीट से 10 फीट तक रख सकते हैं। पार्किंग के लिए स्पेशली आपको यह 8 फीट की हाइट बीम के बॉटम से रखनी है, ना कि रूफ सीलिंग से। अगर आप ऑफिस शोरूम या पार्टी हॉल वगैरह के लिए बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आपको बेसमेंट की हाइट 11 फीट से 12 फीट तक रखनी ही पड़ेगी। वो इसलिए ताकि बाद में आप इसमें फॉल सीलिंग वगैरह आसानी से करा सको, क्योंकि अगर कम हाइट होगी तो आप इसमें फॉल सीलिंग नहीं करवा पाओगे। तो पहला कॉमन मिस्टेक बेसमेंट हाइट में ही की जाती है ज्यादा लोगों के द्वारा, तो इसका खास कर ध्यान रखें। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो हम बेसमेंट बनाते हुए करते हैं वो है कि बेसमेंट वॉल की थिकनेस को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेसमेंट वॉल हमारे घर के टोटल लोड को सपोर्ट तो देता ही है, इसके साथ साथ इस पे हमारे घर के सराउंडिंग यानी कि चारों तरफ की मिट्टी का एक्स्ट्रा प्रेशर भी आता है, इसलिए हमारी बेसमेंट की दीवार मजबूत होनी चाहिए। पर बहुत से लोग सिर्फ 9 इंच की दीवार बेसमेंट पे बनवा लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इससे तो आपकी दीवार कमजोर हो ही रही है, साथ में दूसरा कि आपकी दीवार पे सीपेज कभी बंद ही नहीं होगी, आप कितना भी वाटरप्रूफिंग करवा लें। आपने अक्सर देखा भी होगा कि नॉर्मली हमारे घर की दीवारों में नीचे से 3 से 4 फीट तक सीलन वैसे भी आ जाती है, और ऐसे में 9 इंच की दीवार बनाने से तो बेसमेंट में सीपेज होनी ही होनी है। इसलिए आपको बेसमेंट बनाने समय गलती से भी 9 इंच की ब्रिक वॉल नहीं बनानी है। हमेशा बेसमेंट के लिए आपको 6 इंच RCC का रिटेनिंग वॉल देना है, यानी कि कंक्रीट की वॉल, जिसमें आपको 8 से 10 mm के सरिया यूज करना है और अंदर की तरफ 4 इंच की ब्रिक वॉल जरूर बनवानी है। अब आप कहोगे कि 6 इंच की RCC वॉल तो काफी स्ट्रांग रहेगी, फिर अंदर से 4 इंच की ब्रिक वॉल क्यों बनवाए? तो इसका क्या रीजन है मैं बता देता हूँ। जब भी आप बिजली की फिटिंग करवाते हो तो इसमें दीवार को चेस कटिंग करना पड़ता है, तो RCC वॉल में काटना आसान नहीं होता। और अगर आप रिटेनिंग वॉल में पहले ही इलेक्ट्रिकल बॉक्स और पाइप दे भी देते हैं चेस कटिंग से पहले, तो इन फ्यूचर अगर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क में कुछ चेंजेस करने हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप 4 इंच की ब्रिक वॉल जरूर दें, इसमें तोड़ फोड़ करना आसान होता है और ये आपका लाइफ टाइम का सॉल्यूशन भी हो जाता है। इसके बाद आप वॉल पर अच्छे से प्लास्टर करवा लें। अगर इतना आप करवा लेंगे तो यह बेसमेंट के लिए इनफ स्ट्रांग हो जाएगी और कभी सीपेज का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है वाटरप्रूफिंग की, जो कुछ लोग या तो भूल जाते हैं या ज्यादातर लोग इसे अवॉइड कर देते हैं।
पर मैं आपको बता दूं कि जब भी ग्राउंड को खोदकर अगर उसमें किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो ऐसे में इसमें डैम्पनेस और सीपेज आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको फ्लोर और दीवार को बाहर और अंदर से अच्छे तरीके से वाटरप्रूफिंग जरूर करवाना है। आप जानते हैं कि मानसून सीजन में वाटर लेवल ऊपर आ जाता है जिससे आपके फ्लोर और वॉल में डैम्पनेस या सीपेज आ सकती है। इसलिए आपको फ्लोर और वॉल की वाटरप्रूफिंग जरूर करवानी है और आपको फ्लोरिंग भी नॉर्मल नहीं रखना है, यह आरसीसी की ही होनी चाहिए यानी कि कॉन्क्रीट की। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग कर देते हैं वो यह है कि बेसमेंट में कोई भी परमानेंट वाटर पंपिंग अरेंजमेंट नहीं करते। आपको हमेशा बेसमेंट में परमानेंट वाटर पंपिंग अरेंजमेंट एडवांस में ही फिट करवा लेना चाहिए ताकि अगर कभी भी हेवी रेनफॉल या किसी भी पाइप वगैरह की लीकेज के कारण बेसमेंट में पानी भरे तो उसे आप इमीडिएटली ड्रेन आउट कर सके, जो ज्यादातर लोग पंपिंग अरेंजमेंट करना भूल जाते हैं। और नंबर 5 कॉमन मिस्टेक है टॉयलेट की। आपको बेसमेंट में कभी भी टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे टॉयलेट का वेस्ट डायरेक्ट सीवरेज लाइन में जाता है, पर सीवरेज पाइपलाइन की डेप्थ कभी भी 8 से 10 फीट नीचे तक नहीं होती जमीन में और उसका लेवल हमेशा आपके टॉयलेट से ऊंचा ही रहता है अगर आप बेसमेंट में टॉयलेट बनाते हो तो अगर आप बेसमेंट में टॉयलेट या बाथरूम बनाओगे तो ऐसे में आपके टॉयलेट में हमेशा सॉयल वेस्ट बैक मारेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 5 कॉमन मिस्टेक है जो बेसमेंट बनाते वक्त अक्सर लोग करते हैं। आप इन 5 गलतियों से हमेशा बचे बेसमेंट बनाते वक्त। तो आई होप ये दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों को इससे मदद मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो वीडियोस में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।